जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एक्शन हो सकता है। इसके पीछे की खबर यह है कि भारत के गृह मंत्री एक्शन मोड में हैं और खबर है कि अब से कुछ घंटों बाद वो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हाल के दिनों में आतंकी हमले हो रहे हैं उसको लेकर कोई बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है, क्योंकि एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से ही जम्मू में लगातार 4 बड़े आतंकी हमले हुए और इसके बाद केंद्र सरकार पर दबाव है कि जल्द से जल्द वो जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला करे। इसी के मद्देनजर खबर है कि अब से कुछ घंटों बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और CRPF के शीर्ष अधिकारी और दूसरे अन्य अधिकारी शामिल होंगे जो जम्मू कश्मीर के नीति निर्धारण से जुड़े हुए काम करते हैं। माना यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देरों में होने वाली ये बैठक जम्मू कश्मीर में फैल रहे आतंकवाद के नए सिरों को तलाश कर उसे खत्म करने पर काम करेगी। हालांकि इस बैठक के बाद क्या होगा इसकी जानकारी भी भारत तक आपको लगातार देता रहेगा, लेकिन जिस तरह से खबर ये आई है कि अमित शाह कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नया मोर्चा भारत सरकार खोल सकती है। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक रिव्यू मीटिंग की थी जिसमें लगातार हो रहे जम्मू के हिस्से में आतंकवादी घटनाओं को लेकर समीक्षा की गई थी। जम्मू कश्मीर के DGP लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर कई तरह के सर्च ऑपरेशन चला रही है। जहां भी आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिल रही है वहां ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि आतंकियों के द्वारा जम्मू को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक नई तरह की अफरा तफरी जम्मू कश्मीर में पैदा की जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी मन बनाया हुआ है। DGP ने भी ये साफ साफ बात कह दिया है कि वो शांति चाहते हैं, वो सबका साथ चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी भारत की सीमा में आएंगे तो यकीनन वो मारे जाएंगे। और जिस तरह से रियासी, कठुआ, डोडा में हुए 4 जगहों पर आतंकवादी हमले ने सबको चिंता में डाला, उसके बाद से सुरक्षा बलों का एक्शन भी लगातार जारी है। और यही वजह है कि हाल ही में कठुआ में पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों को मारकर ढेर भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।